और एहतियात आप लोग बरतिए और बाहर निकलने का कम से कम प्रयास करिए। और हम लोग तो रिस्क जोन में ही हैं, बार बार बाहर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, निकल ही रहे हैं, निकलना ही पड़ेगा हमको। तो अच्छा है बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। अमित पार्लर, प्रिया द्विवेदी जी, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। भानुराज जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़िया है, तो फिर ये सेशन अब ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो मेरे जन्मदिवस के अवसर पे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के काम किए, जैसे कि हिरेन भाई ने लंदन से केक ऑर्डर कर दिया और मुझे पता नहीं चला मेरे दरवाजे तक पहुँच गया। तो अच्छा है, एकदम से सरप्राइजिंग था ये। और बबली त्यागी जी ने कोटा में पूरे, उनका स्टाफ था, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ था, उसने जो है तो ऑनलाइन ही केक काटा उन्होंने, उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके। और तक ऐसा तरीका आया है केक, मतलब जन्मदिन मनाने का, जिसमें रीवा में सचिन शर्मा भैया हैं सूर्या, तो उन्होंने अपने युवा एकता परिषद रीवा के साथ मिल करके भोजन वितरण किया है ज़रूरतमंदों के बीच में। तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट रहा मेरे लिए, कहना चाहूँ अगर मैं कहूँ तो सबसे बढ़िया गिफ्ट इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज के इस दौर में बहुत आवश्यकता है कि हम लोगों की मदद करें। तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर भोजन वितरण किया है जन्मदिन के अवसर पर, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कहूँगा। और सभी लोगों का जिन लोगों ने जन्मदिन मना करके फिर वीडियो पोस्ट किए हैं, वीडियोस भेजे हैं, अभी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं सारे वीडियोस तो उसमें ऐड कर नहीं पाऊँगा। तो इस कारण से मैंने बहुत विचार किया और कल का पूरा दिन विचार किया, अभी भी सेलिब्रेशन चल ही रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही कहूँगा कि आप भी जब भी अपना जन्मदिन मनाएं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सबको खाना खिलाएं। और मैं अपने बर्थडे में भी इसी तरह की कुछ क्रियाओं में लीन रहता हूँ, इसीलिए मैं जन्मदिवस के दिन न लाइव आ पाता हूँ, न मैं इजीली अवेलेबल हो पाता हूँ घर पे। हम लोग बाहर निकलते हैं, हम सभी लोग मम्मी पापा को लेकर निकलते हैं, तो अच्छा लगता है। और पेड़ लगाइए, लोगों को खाना बांटिए, इसी तरह से आप जन्मदिन अपना मना सकते हैं। आप लोगों का भी जब जन्मदिन हो तो इसी तरह मनाइए। आप लोगों ने लॉकडाउन में जिस तरह से सहयोग किया है, बातें मानी हैं, प्यार दिया है, उसको जारी रखिए और उन बातों को अमल में लाइए। और जब भी घर के बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं, कोशिश करें कि लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। यह दूरी मानसिक दूरी ना हो, फिजिकली थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। नमस्कार करें, दूर से हाथ ना मिलाएं और दो गज की दूरी जो है उसको मेंटेन करें। और चीज़ों को छुए ना, कम से कम चीज़ों को छूने का प्रयास करें। और कम से कम सामग्री से अगर काम चला पा रहे हो तो चलाएं, नए कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे नए कपड़े हैं, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगती हैं कि अनावश्यक है, तो उनको खरीद करके ज़बरदस्ती खतरा में मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत सारा भाषण हो चुका है और आप लोग इतना प्यार देते हैं हमेशा से, तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके लाइव आना चाहिए, तो आया हूँ मैं। और आपके द्वारा दी गई इन शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से बता दूँ, ठंडा पानी पीने के कारण गले में प्रॉब्लम है, तो आप लोग बिल्कुल कुछ ना हो, चिंता की कोई बात नहीं है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से पुलिस का सहयोग करते रहें, डॉक्टर्स का सहयोग करते रहें, सफाई कर्मियों का सहयोग करते रहें और अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखना है दोस्तों। तो चलता हूँ मैं और बहुत जल्द मिलेंगे और देखता हूँ अगर समय मिला तो मैं फिर से लाइव आने का प्रयास करूँगा और किसी विशेष अवसर पर। और आप समझ गए होंगे, हो सकता है 15 अगस्त हो वो अवसर हो। तो तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।